Yes? Yes. So we are all into the puja. हम सब पूजा करते हैं. Correct? But what is the philosophy? We are not very much sure. पर उसके पीछे का फिलॉसफी क्या है ये हमें नहीं पता. Is it not a fact? क्या सच नहीं है? For example, if I have to ask you a question, who is God? अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि भगवान कौन है? What would be your answer? तो आपका जवाब क्या होगा? So what's your answer? आपका जवाब? आपका जवाब? भगवान कौन है? भगवान कौन है? Yes? Who is God? आप बता सकते हैं भगवान कौन है? Everybody is God? क्या हर कोई भगवान है? 330 million God? 330 करोड़. See, he is saying everybody is God. How many agree with him? Put up the hand. Everybody agree. Yes? Yes? So, in your office you go, yeah, everybody is boss? आप अपने ऑफिस में जाते होंगे तो क्या हर कोई बॉस होता है? Why? क्यों? Why in your office there's only one boss? आपके ऑफिस में सिर्फ एक बॉस क्यों होता है? So how can in the whole universe there be many many gods? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे भगवान हो सकते हैं? हाँ, how? So okay, never mind. Let us find out what God is saying. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा. कृष्ण says here in the Bhagavad Gita. देखते भगवद गीता में क्या बोल रहे भगवान. अहम सर्वाश प्रभव माता सर्वम प्रवर्तते. कृष्ण इज स्पीकिंग हियर. अहम सर्वाश प्रभव. अहम सर्वस्य प्रभवो. अहम सर्वस्य प्रभवो. मातः सर्वं प्रवर्तते. मातः सर्वं प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते मां. इति मत्वा भजन्ते मां. बुधा भाव समन्विता. बुधा भाव समन्विता. भावार्थ, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ. प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भव हुई है. बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं. वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं. यह कृष्ण आई एम द सोर्स ऑफ द बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वो स्रोत हैं हर पूरे लौकिक और परलौकिक. Who is speaking? कौन कह रहे हैं ऐसा? Krishna is speaking. Yes. And not only that. सिर्फ उतना ही नहीं. सातवें अध्याय का सातवां श्लोक. मत्तः परतरं नान्यान् किञ्चिदस्ति धनञ्जया. मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा इव. सूत्रे मणिगणा इव. दिस इज भगवद् गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट 7. ये भगवद् गीता का सातवां अध्याय का सातवां श्लोक है. भावार्थ, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है. जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है. So there is no truth higher than me. तो इसलिए कोई सत्य उनसे ऊपर नहीं है. If all are God, then Krishna would not say this statement. अगर हर कोई भगवान होता तो भगवान ये क्यों कह रहे होते? Yes. There's nobody equal to me and nobody above me. कोई उनके बराबर और कोई उनसे ऊपर नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ. Yes. So who you have to listen to? आपको किसका सुनना चाहिए? Him or Krishna? उनका और कृष्ण भगवान का. Yes. Yes. Not only that, Krishna says in the Bhagavad Gita, he says in many places, I am the source of all the devatas. और भगवद गीता में कृष्ण हर जगह बोल रहे हैं कि मैं सारे देवताओं का स्रोत हूँ. I am. Yeah. Aham Adi Devanam.
महर्षीणां दर्शा तन्तु दसवें अध्याय का दूसरा श्लोक नमे विदुः सुरगणा नमे विदुः सुरगणा प्रभावं न महर्षयः प्रभावं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः महर्षिणां च सर्वशः भावार्थ ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। So Krishna is saying here that I am the source of all these devatas and the rishis. Yes. तो कृष्ण भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैं सारे महर्षि और देवी देवताओं का स्रोत हूँ। Yes. Understand? Krishna's position is not small thing. Krishna is Adi Bhagavan. Yes. Krishna jo hai wo Adi Bhagavan. I'm just coming from Vrindavan. Prabhu abhi Vrindavan se aa rahe hain. And Krishna lifted that what hill? Kaun sa parvat uthaya tha Bhagavan ne? You can carry. Kya aap bhi utha sakte hain? You can carry. You carry. Why he carrying? Kyun utha sakte hain? Because he's God. Kyunki wo Bhagavan hai. Yes. This is the power of God. Yes. ये होती है शक्ति भगवान। So God is showing how powerful I am. तो भगवान दिखा रहे कितने वो शक्तिशाली हैं। Because we don't believe. पर हम इस पे विश्वास नहीं करते। Yes. And then here, Brahma is also saying. Not only Krishna is saying I am God. Brahma is also saying. ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। So Brahma got how many heads? तो ब्रह्मा कितने सिर हैं? Don't know. Four. Very good. Clap. Give him a big hand. Very good. Four heads, huh? You sure? You sure you got four heads? You sure? You saw? You saw him? Alright, he has got four heads. Very good. Alright, see here. ईश्वरः परमः कृष्णः ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रह सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर् गोविन्द अनादिरादिर् गोविन्द सर्वकारण कारणम् सर्वकारण कारणम् सो एवरीबॉडी इज सम काइंड ऑफ कंट्रोलर हर कोई किसी प्रकार से कंट्रोल कर कंट्रोल योर हाउस यू मे कंट्रोल योर ऑफिस यू मे कंट्रोल योर वर्क सो मेनी काइंड ऑफ कंट्रोलर दे आर कॉल्ड ईश्वरा करेक्ट कोई अपने घर संभाल रहा है कोई किसी को संभाल रहा है ऑल कंट्रोलर्स द सुप्रीम कंट्रोलर इज पर सारे जो कंट्रोलर है उसमें सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वरा परमः हु कृष्णा जो परमेश्वर हु इज दैट पर्सन कृष्णा He is Satchit Ananda Vigraha. वो सच्चित आनंद विग्रह है। Some people say God has got no form. बहुत लोग कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं। Some say God is निराकार। बहुत लोग कहते हैं भगवान निराकार है। Oh, yeah. Brahma is saying he has got what? आकार। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उनका आकार है। Satchit Ananda. And God is full of Ananda. और वो कह रहे हैं उनका जो Everybody is looking for Ananda, correct? हर कोई जो आनंद के लिए देख रहा है। Yes, everyone wants Ananda. Nobody wants distress. हर किसी को आनंद चाहिए कृष्णा इज फुल ऑफ आनंद तो कृष्ण भगवान जो है पूर्ण रूप से आनंद सच्चिद आनंद गोविंद सच्चिद आनंद गोविंद कृष्णा'स नेम इज आल्सो व्हाट गोविंद करेक्ट इफ एवरीबॉडी इज गॉड देन ब्रह्मा विल से नो नो ईश्वर सर्व देवानाम ही डिडंट से दैट अगर हर कोई भगवान होता तो ब्रह्मा जी कह रहे होते ईश्वर सर्व देवानाम फॉर है ही सेइंग कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ब्रह्मा जी अपने चार सिरों के साथ कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ही जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है एंड नॉट ओनली दैट कृष्णा इज व्हाट और उतना ही नहीं अबाउट द नेक्स्ट वन अनादिर आदिर गोविंदा अनादिर आदिर गोविंदा अनादिर मींस व्हाट No father, no mother. अनादिर मतलब जिसका कोई माता पिता ना हो. When a person has no father and mother, they call him what? अनादिर. जिसका कोई माता पिता नहीं होता, उसे अनादिर बोला जाता. Yes, yes. अनादिर आदि, but he is आदि. He is not that. Has got no father and mother only. He is the source of everybody.
और ऐसा नहीं है कि उनके कोई माता पिता है, नहीं, वो सबके माता पिता है, सबके स्रोत है। That's why it's called आदि देवम। इसलिए उन्हें आदि देवम बोला जाता है। And his name is again put, not anybody. Who is that? Govinda। इसलिए उनका नाम जो गोविंदा है। You all know Govinda, right? Who is Govinda? Govinda कौन है? And the last line Brahma is saying, Sarva Karana Karanam. आखिरी लाइन में कह रहे हैं सर्व कारण कारणम। He is the cause of everything. सारे कारणों का वो कारण है। That's now Krishna says, Aham Sarvasya Prabha, I am the source of all this material and spiritual world. अभी वो कह रहे थे। And this is confirmed by Lord Brahma also. जो वो कह रहे तो ब्रह्मा जी ने भी वही कह रहे हैं। So see how Brahma is saying, Krishna is the supreme personality of Godhead. तो ब्रह्मा जी भी वही बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो yes. है परम भगवान। With how many heads he's saying? और कितने सिरों के साथ बोल रहे हैं? So head. You got how many heads? आपके कितने सिर हैं? One. And you saying there's many God? तो हम लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे भगवान हैं। So who to believe? तो किस पे भरोसा किया जाए? चार सिर पे कि एक सिर पे? One head or four heads? Yes. Hello. Yes. Yes. And now let's see what Lord Shiva is also saying. अब देखते हैं भगवान शिव क्या बोल रहे हैं। Lord Shiva, what is he saying? So you see here in this verse, can you read that loudly for me? तो ये इस श्लोक में देखिए, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। See, if you want moksha, अगर आपको मोक्ष चाहिए, then who can give you? तो कौन दे सकते हैं? विष्णु और कृष्ण सेम। विष्णु और कृष्ण सेम है, राइट? सो इफ यू गेट from the devatas you can get money, you can get good life and all that, but when you die everything is finished. आप देवी देवताओं से धन संपत्ति सब चीज ले सकते हैं, पर जब आप मृत्यु होती है तो सब चीज खत्म हो जाता है। Yes, and everybody want to get out of this material world. और हर कोई संसार से बाहर निकलना चाहता है। How many like to stay here? कितने लोग को इधर रहना है हमेशा के लिए? Nobody want to stay here. कोई इधर नहीं रहना चाहता। Because this place is full of misery. क्योंकि यहाँ बहुत कष्ट है इस जगह पे, especially India. खासकर इंडिया में। You got very nice aircon but no power. आपके पास बहुत अच्छा AC हो सकता है पर पावर नहीं होगा। You go to take shower, no water. आप जो है नहाने जा सकते पर पानी नहीं आएगा। तप भूमि। इंडिया इज व्हाट? भारत जो है तप भूमि है। बहुत तपस्या। Right, so many many problems. Not only that, Lord Brahma, even if you go to Brahma Loka or you go to even Patal Loka. Full of misery. और ऐसा नहीं, इवन आप ब्रह्मलोक में भी जाएंगे या पाताल में भी जाएंगे, उधर भी बहुत सारे कष्ट हैं। You see here, Krishna is also saying here. तो कृष्ण भगवान इधर भी कह रहे हैं, आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुना भावार्थ, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सभी लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। दुखों के घर हैं। Yes. From Brahma to down, full of what? Misery. No sukham. Yes. And what is the dukkham? और दुख क्या होता है? What is the dukkham? No girlfriend. दुख का मतलब girlfriend नहीं है। What is the dukkham? What is the problem? Problem क्या है? क्या? Problem क्या है? My husband is a problem. मेरे जो पति हैं वो दिक्कत है। Who is the problem? Problem आखिर है कौन? The problem is four. चार तरह की दिक्कतें होती हैं। What is that? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और What is the disease? Problem? Yes. जन्म मृत्यु जरा व्याधि is very painful. Who like to die? You like to कौन die? कौन मरना चाहता है? Nobody like कोई to नहीं चाहता है। Very painful. Yes. बहुत दर्द होता है। Who like to grow old?
कौन बूढ़ा होना चाहता है? Like me, I'm the old, you're the old. How old are you? कोई नहीं होना चाहता। और कितने साल के हैं? कितने साल के हैं? 70 years. He's 70. I'm 68. प्रभु 68 है। और problem, correct? Many disease. और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। किनको बीमारी अच्छा लगता है? Who wants व्याधि? Nobody wants. And birth. और किसको जन्म लेना अच्छा लगता है? The mothers will know how painful birth is. Yes. और सारी माताओं को बताओगे कितना जन्म जो है वो? Very painful. Yes. So these are the four problems. ये चार तरह के दिक्कत हैं संसार में. Krishna also saying here. 13वां अध्याय का 8वां श्लोक. Is it that? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दुख इस दुख से बाहर आने के लिए शिव जी जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी आपकी मदद कर सकते हैं. Who is that person? वो कौन है? Who? विष्णु विष्णु मुक्ति प्रदाता, जो मुक्ति प्रदाता है जिन्हें कहा गया. If you want to come out of this problem, then only one person can do that. Who is that? कौन है वो जो आपकी मदद कर सकते हैं? वो कृष्णा और विष्णु. Not only that, you can see here. उतना ही नहीं. In the Bhagavatam. भागवतम में ऐसा है. दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् युगे युगे. यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है. कृष्णस्तु भगवान स्वयं. स्वयं भगवान मीन्स व्हाट? He is the only supreme personality of God. Nobody else. कृष्ण ही एकलौते परम भगवान है. Alright, understand? Is it clear? Yes. Very good. Now go. Now let's see what Arjuna is saying. अब देखते हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं. 10, 12, 13. हमने शिव जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? 10, 12. See what Arjuna is saying, Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमे भवत् word to word word for word yeah yeah okay good can you read one by one okay arjun vacha arjun ne kaha param brahma matlab satya param so who is param who is the param bhavan
Arjuna is saying to who? Arjun kisko appoint kar raha hai? Mahabharata war Krishna and Arjuna was sitting in the chariot, correct? Krishna Arjuna rath pe baithe the. Arjuna is talking to who? Aur Arjun kisse baat kar rahe the? Yes. So Krishna is telling, Arjuna is telling Krishna, you are the Param Bhavan. Krishna Arjun bol rahe hain ki aap Param Brahma hain. Param Brahma, you are the Param Brahma. And Param Dhamma, the place, the supreme abode. और आप ही परम धाम में हैं. Yes. And Pavitra. और पवित्र. God is the most Pavitra. भगवान सबसे शुद्ध है. You understand? Just like the sun, he can shine and evaporate urine, but the sun does not get contaminated. Yes. अगर सूरज जो है चमक रहा है और मैं जो है मूत्र विसर्जित करता हूँ तो उससे सूर्य का कोई हानि नहीं होगा. Yes. Hello. Yes. The sun is only a material planet. Sun jo hai ek bhautik wo nahi hai. It's only a material planet, but God, how much more powerful? Tu kitna shaktishali hoga? Therefore, when you say Krishna naam, isliye jab aap Krishna naam lete hain, all the bad thing in your life is all gone. तो आपके जिंदगी में जितने भी दुख दर्द है सब चले जाते हैं. God's name is so powerful. What to speak about him? That's why it's called पवित्र. भगवान का जो नाम इतना शक्तिशाली है इसीलिए उनको बहुत पवित्र बोला गया. And is परमम भगवान, the supreme personality of God. और वो परम भगवान है. And you can see it's पुरुषा. और ऐसा कहा गया कि वो पुरुष है. पुरुषा मीन्स व्हाट? पुरुष मतलब नॉट ओनली मेल, he is what? Person. मतलब मेल ही नहीं एक व्यक्ति. Somebody with no rupa. ऐसा नहीं कि उनका कोई रूप नहीं है. Yes, is person. Understand? वो जो है पुरुष है. What else? और क्या बोला गया है यहाँ पे? शाश्वतम दिव्यम. शाश्वतम दिव्यम. God is not material like you and me. भगवान हमारे तरह भौतिक नहीं है. When God comes, he is not influenced by old age, disease. जब भगवान इधर आते हैं तो उनका ऐसा नहीं कि जन्म मृत्यु और बीमारियां ये सब होती है. दिव्यम, वो दिव्य है. Yes. And not only that, he says here, आदि देवम. और ऐसा कहा गया कि वो आदि देवम है, आदि स्वामी है. Again, Arjuna is saying, you are the original person. और अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही जो है परम भगवान. Yes. Hello. Yes. Right? And not only that, you can see the next line. Can you? और अगले लाइन में आप देख सकते हैं. All the rishis like Narada, Asito, Devala are also saying. और सारे ऋषि जैसे नारद, असित, देवल तथा ऋषि ये सब बोल रहे हैं. नारद, असित, देवल, व्यास ये सब बोल रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान. Yes, that means Brahma is saying. Lord Shiva is saying, Krishna himself is saying, Arjuna is saying, sages like Narada, Vyasa, Deva, all are also saying that Krishna is the supreme personality of God. और ये सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ही परम भगवान हैं. But what is this place called? ये इस जगह का क्या नाम है? Indirapuram. 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 In this whole Indirapuram, what block number? ये कौन सा ब्लॉक नंबर है? मंगलम 9 ब्लॉक, राइट? एंड देन 9 ब्लॉक दिस इज थर्ड फ्लोर, करेक्ट? ये 9वें ब्लॉक का थर्ड फ्लोर है. थर्ड फ्लोर वी आर सिटिंग हियर, राइट? तीसरे फ्लोर पे हम लोग बैठे हुए हैं. यस, वी ऑल आर सिटिंग हियर एंड वी आर सेइंग गॉड इज नॉट कृष्ण. और हम तीसरे फ्लोर पे गाड़ी के कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है. इसी आवर इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि को आप देखिए. यस, नो. You understand? So you must know who God is. आपको पता होना चाहिए कि कौन है. You can even start to respond with him in love. और आपको जब पता चले कि भगवान कौन है तभी आप उनसे प्रेम कर पाएंगे. Unless you know who is God, then how you can love him? अगर आपको पता ही नहीं भगवान कौन है तो प्रेम का सवाल ही किधर उठता है. Everybody say love God, but you must know who is God. हर कोई कहता है कि भगवान से प्यार करो, पर आपको पता रहना चाहिए भगवान कौन है पहले. Do you know who is God now? अब आपको पता होगा भगवान कौन है. Who is God? कौन है? Finish. Yes. Hello. Yes. Very good. Now the next question. अब अगला सवाल. How to go to him?
अब कैसे उनके पास जाया जाए? वैसी कहाँ पे वह है? आपको पता है किधर है भगवान? मालूम नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर उधर जाया कैसे जाए? Anybody can help him? कोई इनकी मदद कर सकता है? सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। He is everywhere. किसे? Yeah, everywhere. But how to find out where is he? पर हमें कैसे वो पता चलेगा किधर पे? Yes. Like now, if I say you go and love him, you will ask where he stays. At least you give me phone number, na? आप अगर प्रभु आपको बोला आप जाइए उनसे प्यार करने हैं तो आप कम से कम ये पूछेंगे कि वो किधर रहते हैं, उनका फोन नंबर क्या है? Yes, yes. So how to get God's phone number? तो भगवान का फोन नंबर कैसे लिया जाए? Anybody have? किसी पास होगा? Chanting. Yes. कृष्णा इज कनेक्टेड बाय मंत्र। कृष्ण जो है मंत्र के द्वारा कनेक्टेड है। द वर्ड मंत्र मीन्स यू कैन गो टू गॉड बाय चैंटिंग मंत्र। अब भगवान के पास सिर्फ मंत्र को जाप करने से भगवान के पास जा सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ही सेज इज एवरीवेयर बट ही इज आल्सो इन योर हार्ट। क्योंकि ऐसा कहा गया है सर्वव्यापी है पर आपके हृदय में भी है। ईश्वर सर्वभूतानां ब्राह्मयन् सर्वभूतानि भावार्थ अर्जुन परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा ब्रह्मक रहे हैं। Where is Krishna sitting? तो कृष्ण कहाँ बैठे हुए हैं? हृदय में। Whose heart? किसके हृदय में? Everybody's heart. हर किसी के हृदय में। Even the little ant or even on Brahma. और चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हर किसी। So how to connect with him? तो उनसे कैसे कनेक्ट किया जाए? He's in your heart, correct? आपके हृदय में तो है। But do you know he's in your heart? पर क्या आप उसको महसूस कर पाते हैं? क्या? I don't know. आप जानते हैं सर? Yes. Correct. So how to connect? तो कैसे कनेक्ट किया जाए? You can only connect to him by chanting mantra. आप उनसे जुड़ सकते हैं सिर्फ मंत्र का जाप करने से। You understand? So when you chant, particularly this mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can connect with him in your. आप हृदय में उनसे जुड़ सकते हैं। You understand? I think just now we chanted, right? अभी हमने जो जपा। You feel good or not? आपको अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा अच्छा है। What is that in Hindi? अच्छा लगा। Yes? Why? क्यों है? Why you feel good? क्यों आपको अच्छा लग रहा है? Because God is happy inside your heart. क्योंकि भगवान खुश है आपके हृदय में। Yes? Because God is happy, you become happy. अगर भगवान खुश है तभी आपको खुशी दे सकते हैं। So imagine if you do all the time, how much happy you become. तो आप अगर इसे हर समय करें तब आपके कितने खुश होंगे? Yes? Easy? सिंपल लॉजिक। नॉट ओनली दैट, इफ यू चैंट कृष्णस नेम, नॉट ओनली यू बिकम हैप्पी, सी हाउ। और जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप खुशी होते हैं, उसके अलावा क्या चीजें होती है देखिए। कृष्णा इज सेइंग, इफ यू कैन ऑलवेज चैंट माय नेम एंड रिमेंबर मी, कृष्णा सेज हियर। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भावार्थ
जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, वे मेरी धार्मिक पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। You understand this? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? You understand? Everybody is praying, give me this, give me that, so many things you are asking. हर कोई जो है पूजा कर रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। Yes? Yes? So Krishna says, I give you. तो कृष्ण बोल रहे हैं मैं दे सकता हूँ। So it's how powerful Krishna is. कितने उनमें शक्ति है? All you got to do is what? आपको सिर्फ करना क्या है कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे Immediately Krishna becomes very much, you know, very much what we say. बहुत जल्द बहुत खुश हो जाते हैं. Understand? And you see Krishna say, I provide. और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वो देते हैं. Yes. Not only that, if you can chant Krishna's name. उतना ही नहीं, अगर आप भगवान का नाम ले सकते हैं. You see, wherever there is Krishna, because when you chant, that means you are keeping Krishna in your mouth. Yes. जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान को आप अपने मुंह में रख रहे हैं. So if you can keep Krishna in your mouth, I remember him. You see what you get. तो जब आप भगवान का मुंह से नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, तो देखिए यहाँ पे. यत्र योगेश्वर कृष्णो पार्थो धनुर्धरा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूते तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम भवात् जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है How many things you getting? तो आप कितनी चीजें पा रहे हैं यहाँ पे ये देखिए ऐश्वर्य What else? विजय What else? अलौकिक शक्ति पावर You don't want? क्या ऐसा आप उन्हें चाहिए You don't want? You want fireworks? आप अपने पटाखे चाहिए You want this one? Fireworks? Warming up, huh? So you understand this? क्या ये समझ रहे आप? If you keep Krishna in your mouth, Hare Krishna, you get all these things. तो जब आप ये चैंट करते हैं हरे कृष्णा तो आपको ये सब मिल सकता है. Yes. How to keep Krishna? कृष्णा कैसे रखें? Have to chant his name. उनका नाम लेना पड़ेगा. Yes or not? Prabhu, I am very big papi. I have so many problems. I don't know I can do this Krishna naam. आप कह सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं कैसे ये नाम कृष्ण नाम करूँगा? कृष्ण से नो. भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है. अभिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः भावार्थ यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है So even you are big papi, अगर आप सबसे बड़े पापी भी हैं, but if you chant Krishna's name, पर आप भगवान का नाम लेते हैं Krishna say you are big sadhu. तो कृष्ण बोलते हैं आप साधु हैं And not only that, उतना ही नहीं very quickly by chanting Krishna's name very quickly कृष्ण का नाम लेने से become धर्मात्मा आप धर्मात्मा बन जाते हैं जी
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्तः प्रणश्यति नमे भक्तः प्रणश्यति वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थाई शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। See, very quickly you become what? धर्मात्मा। बहुत जल्द आप धर्मात्मा बन जाते हैं। And you get शाश्वत शांति। Everybody wants शांति। Yes? शाश्वत शांति आपको मिलती है। Very quickly by chanting you become धर्मात्मा and you become very peaceful। तो भगवान का नाम लेने से आपको शांति मिलती है और आप धर्मात्मा बन जाते हैं। And not only that। और उतना ही नहीं। You going to every day you all have to travel and do so many things, yes? हर दिन आपको जो travel करना पड़ता है बहुत सारे काम करना पड़ता है। Anything can happen, correct? किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। Yeah, yes. Krishna says what? तो कृष्ण आप क्या कह रहे हैं? कौन्तेया प्रतिजने मां भक्ता प्रणश्यति। मेरे Krishna is going to give you protection also. भगवान आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। He is giving you शांति। आपको शांति दे रहे हैं। He is giving you धर्मात्मा। आपको धर्मात्मा बना रहे हैं। शुद्ध आत्मा। And he is also going to protect you. आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। How many things you want him to do? और कितने चीज आपको चाहिए उनको करने के लिए? But you don't want to change his name. पर तब भी हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। Is that foolish? क्या वो मूर्खता नहीं है? Yes or no? Yeah. Correct. Hello. Yes. And you say there are many devatas. और तब भी आप कहते हैं बहुत सारे देवी देवता। You say everybody is God. और वो बोलते हैं कि हर कोई भगवान है। Actually, there's only one God, Krishna. ऐसा है कि एक ही भगवान है। There's no other God. ऐसा कोई नहीं कि दूसरे। 9:23. नौवें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवत गीता। Before you go there, go to 266. उससे पहले दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक पे चलते हैं। शांति है तो यहाँ शांति के बारे में बात की जा रही है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य नास्य बुद्धिर युक्तस्य नचाक्तरस्य भावना नचाक्तरस्य भावना नचा भवेत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भवात् जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है न तो बुद्धि दिव्य है और न ही मन स्थिर होता है। So if you not connected to Krishna, तो यदि आप कृष्ण से जुड़े नहीं है you cannot get what? तो आपको क्या नहीं मिल सकता? बुद्धि। Cannot get good brains. बुद्धि नहीं मिल सकता? When you got no good brains. जब आपको बुद्धि नहीं मिलता? Your what? Next one. तो mind is stable, not stable. Your mind cannot be what? मन स्थिर नहीं हो सकता? When your mind is not stable, what happen? जब मन स्थिर नहीं होता तो शांति का कोई सवाल ही नहीं है। You cannot get happiness. और फिर आपको खुशी भी नहीं मिल सकती। If you don't connect yourself to Krishna, तो जब आप कृष्ण से नहीं जुड़ते हैं, we have many problems. इसीलिए हमारी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। Yes or no? Yes. Everybody say I'm stressed. What is this stress? हर कोई बोलता है कि वो stressed है। Stress means problem. Stress मतलब दिक्कत है। Yes. Because you're not connected. क्योंकि आप भगवान से जुड़े नहीं हैं। Yes. You see how everything is connecting. Yes. आप देखिए किस तरह से हर चीज जुड़ रही है। All you got to take your hands and put in the mala and say Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everything will become in order. हर चीज जो है order में आ जाएगी। That's why Krishna said. इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं। Abandon all this religion and just surrender unto me. सारे प्रकार के धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भावार्थ, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं सभी पापों से अन्यत्र कर दूंगा, डरो मत। कृष्णा इज सेइंग सरेंडर टू हू? तो कृष्ण भगवान बोल रहे किसको समर्पण करना है। माम एकम मींस व्हाट? माम एकम का क्या मतलब होता है? मैनी, बहुत सारे। माम एकम मींस मैनी। क्या माम एकम का मतलब बहुत सारा होता है? एक मींस मैनी। एक का मतलब मैनी, दो तीन चार। एक मींस मैनी, क्या एक मतलब बहुत सारे? एक मींस व्हाट? व्हाट? Only one person. Who is that? व्यक्ति कौन? Lord Krishna. Understand? Just surrender to. सिर्फ एक व्यक्ति को समर्पण करना है. What? Surrender to who? किसको समर्पण करना है? Surrender to who? किसको करना है? Yes. You see, in fact, Krishna is saying, whatever you do to the other god, can you go? और फिर भगवान बोल रहे हैं कि बाकी आप जो भी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, everybody is doing so many पूजा, इसीलिए हर कोई बहुत तरह के पूजा कर रहा है ना। जी, व्हाट कृष्णा इज सेइंग? तो कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं, वास्तव में मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। Doing in the what? त्रुटिपूर्ण। What is loudly? Come on. त्रुटि, त्रुटि। What is that? Right way. What is that? क्या वो सही है? Right way. Wrong way. Who is saying? ऐसा कौन कह रहा है? कृष्ण। Understand? Because you don't know. Everybody think everything is okay. Everything go yatam ma tatam par. Yes. हर कोई सोच रहे कि हर चीज सही है यथो मा ततो पर. But you upsetting Krishna. पर फिर आप भगवान को निराश कर रहे हैं. Yes. You understand? All right. Now we go to this point. I don't believe all this nonsense. अब हम इस जगह पे आ गए तो मैं इस पे विश्वास नहीं करूँगा तो. I don't believe. मुझे इस पे विश्वास नहीं है. I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I don't care. This is all nonsense. Hindu nonsense. अगर आप ऐसा सोच रहे कि सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब nonsense है। तो भावार्थ, हे परंतपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। You have to come back again. आपको वापस आना पड़ेगा जन्म। You don't believe. अगर आप इस विश्वास नहीं करेंगे तो so what? I will come back next life as तो क्या होगा? फिर से आ जाऊंगा यहां पे। I will come back next life as prime minister of India. मैं अगले जन्म में जो है प्रधानमंत्री बनूंगा इंडिया का। Do you think so? क्या आपको ऐसा लगता है? You don't believe? Do you think so? आपको अगर विश्वास नहीं तो कैसा आपको लगता है? कृष्णा से दोस्त हु आर नॉट बिलीविंग दिस रैस्कल्स, कृष्ण भगवान जो कहते हैं वो जो इसमें विश्वास नहीं करता है, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। कृष्णा इज गोइंग टू पुट यू इनटू व्हाट? आसुरी योनि। कृष्णा, नॉट ओनली दैट, नेक्स्ट और उतना ही नहीं, आपको क्या करेंगे भगवान? तो तात्पर्य, कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। What is this lower birth? ये छोटे छोटे जन्म क्या है? What is that?
What is that? दूसरे जो जन्म होते हैं वो क्या है? तो आप देखेंगे कितने जो है यूनिया होती है. तो आप देखिए श्रीमद् भागवतम में ये है, सॉरी चैतन्य चरितामृत में ही है. There are 900,000 species in the water. 900 species जो है पानी में है, इतने जीव. Fishes. मछली वगैरह. How many kind of fishes? कितने तरह की मछलियां हैं? 9 lakhs. 9 lakh. And then what? और फिर? 2 million. 2 million क्या है? What? Non-moving. Trees. Yes. पेड़ पौधे. And then what? फिर उसके बाद? 1 million. How many? 1.11 lakhs. कीड़े मकोड़े. Of what? रेंगने वाले जीव और कीड़े मकोड़े. Snakes, insects. सांप वगैरह. Yes. 1 million. Oh, 10 million. I'm sorry. 10 lakhs. 10 lakh जो है पक्षी वगैरह, पशु. Birds. And only 30 lakhs. और 30 lakh जो है वो पशु. पशु होते हैं. And only 400,000 human. सिर्फ 4 lakh जो है मानव. So when Krishna say I put you down to lower species, what is the lowest? तो जब भगवान बोलते हैं मैं आपको अधम योनि में रखता हूँ तो उसका मतलब? What is the lowest? सबसे lowest species कौन सा है? Fish. मछली का जो है वो सबसे अधम. You want to become a fish? क्या आप मछली बनना चाहते हैं? प्रभु, I like to be a fish in the Ganga. मुझे गंगा में फिश बनना है. I am Bengali. I like to go to fish in Ganga. मैं बंगाली हूँ, मुझे गंगा में मछली बनना है. Yes. Nobody like. किसी को पसंद नहीं. Who likes? Nobody likes. Correct. So therefore Krishna say if you are nonsense, then I will do like that. You see now all these plants are here. तो आप देखिए इतने सारे पेड़ पौधे हैं. You think this plant got no soul? तो आप क्या सोचते हैं इनमें कोई जिंदगी नहीं है? You want to be there like that? क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? Yes. हाँ. Nobody wants. कोई नहीं चाहता. So if you become what we say a nonsense. तो अगर आप ये nonsense करते हैं. Don't care. अगर आपको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता तो नेक्स्ट लाइफ, तो अगला जिंदगी. यू वांट टू टेक द रिस्क? क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे? यस. हां, यू वांट टू टेक द रिस्क? कौन रिस्क लेना चाहता है? हां, थिंक, सोचिए इसके बारे में. नाउ माय वर्ड्स, हुज वर्ड इज दिस? ऐसा प्रभु नहीं कह रहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं. हुज वर्ड? कौन ऐसा कह रहा है? दैट्स व्हाई कृष्ण सेड You chant my name. इसलिए कृष्ण महान कह रहे हैं आप मेरा नाम लीजिए. I will take you back. और वो आपको वापस लेके जाएंगे. 14वें अध्याय का 9वां श्लोक. जन्म कर्म च मे दिव्यम. जन्म कर्म च मे दिव्यम. एवं योवेति तत्त्वतः. एवं योवेति तत्त्वतः. त्यक्त्वदेहं पुनर्जन्म. त्यक्त्वदेहं पुनर्जन्म. नैते मामेति सोऽर्जुना. नैते मामेति सोऽर्जुना. भावार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे अविभार्व तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेते अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होते हैं. Yes. All you got to do is chant. सिर्फ आपको उनका नाम लेना है. And you can remember Krishna. और अगर भगवान को आप याद रख सकते हैं no need to come back here again. तो वापस आने का कोई सवाल नहीं है. Is it easy? तो ये सरल नहीं है. How much time to do one mala? तो एक माला करने में कितना ही समय लगता होगा? 10 minutes. 10 minutes. No time. उतना भी समय आपके पास नहीं होगा. No time. I want to tell you something else. प्रभु आपको कुछ कहना चाहते हैं. Do you know you said this now Brahma has got 4 heads, right? हम जानते हैं ब्रह्मा के 4 सिर हैं. Do you know what is the life of Brahma? आप जानते हैं ब्रह्मा का कितना जीवन होता है, जीवन काल? Do you know? Hello? कितना टाइम वो जीते हैं? जैसे हम लोग 100 साल जीते हैं तो ब्रह्मा जी कितना समय जीते हैं? 820. 817.
817. So Brahma is lifespan. His lifespan is 100 years. तो ब्रह्मा जी का जो है 100 साल है. His 100 years is equal to. पर वो 100 साल हमारे 100 साल के बराबर नहीं है. यहाँ पे आप देखिए नीचे. Can you highlight that? Can you make it bigger? Can you make it bigger? तो आप ये देखिए कितना ये समय लिखा हुआ है. What is this? How you calculate in your crores? आप इसको करोड़ में रख के देखिए. I don't know how you calculate this. तो इतने वर्ष जो है ब्रह्मा जी जीते हैं. Hello. And Brahma now. अभी जो ब्रह्मा है has already finished 50 years of his life. 50 साल पूरे कर चुके अपने जीवन का. That means 150 trillion years. 150 trillion years उनके खत्म हो चुके हैं. Brahma now is 51 years old. अभी वो 51 साल के हैं. So what have we been doing all this life? तो ये 150 trillion years हम लोग क्या कर रहे थे? What have we been doing? हम लोग इस संसार में 150 trillion years क्या कर रहे थे? We have been dying and taking birth and dying and taking birth. हम लोग बार बार जन्म ले रहे थे. Say that I have no time. हम लोग बार बार जन्म ले रहे थे, मर रहे थे, जन्म ले रहे थे, मर रहे थे, और तब भी कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है. Hello. No time. अभी भी हमारे पास समय नहीं है. Time नहीं है प्रभु. Yeah. Yeah. अभी भी समय नहीं है. Yeah. You want to waste some more time? आप क्या कुछ और समय think waste करना चाहेंगे? प्रभु think. Better we quickly go and take this mala and start chanting Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. You want to again waste time? क्या आप और बर्बाद करना चाहेंगे समय? Yes. No. You don't want to do. You don't want to chant? How many want to chant now? कितने लोग जप करना चाहेंगे? Everyone. हर कोई. So better be careful, right? Yes. Careful रहना चाहिए. Yes. So it's so important to chant Krishna's name. इसीलिए कितना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना. 6:12. Prabhu, maybe there's other way. अब आप सोचते हो कोई और रास्ता होगा? I don't like Krishna. Other, I want to do other. Krishna मुझे पसंद नहीं. कोई और रास्ता हो सकता है क्या? There's no Krishna there. Only me, right? Surrender, right? अभी कृष्ण भगवान बोल रहे थे सिर्फ मेरे को समर्पण करो. Correct? Yes, sir. Yeah, you see. Yeah. हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे हरे नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा भवार्थ. कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है. कोई दूसरा मार्ग नहीं है. कोई दूसरा मार्ग नहीं है. और कोई दूसरा मार्ग नहीं है. कोई दूसरा मार्ग नहीं है. हेलो, अदर थिंग यू वांट टू डू? और कुछ करना चाहेंगे आप? यू हैव अदर वे? कोई और रास्ता होगा भगवान के पास जाने का? हां, इस कलयुग में थिंग इट इज नॉट बिगर वी ऑल हरे कृष्णा दैट्स व्हाई. हेलो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग हरे कृष्णा तो बोल रहे हैं. दिस इज शास्त्र. हम लोग शास्त्र से कह रहे हैं. यू डोंट वांट टू फॉलो शास्त्र? क्या आप शास्त्र से नहीं चलना चाहेंगे? 1623. जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मन माने ढंग से कार्य करते हैं उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है. हेलो, यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल. हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे. इफ यू डोंट वांट टू फॉलो, अगर हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो. यस,
This is why God is speaking. इसलिए भगवान कह रहे हैं. Correct? How many of you have heard Bhagavad Gita like this? कितने लोगों ने अपने में से भगवद गीता ऐसे सुना होगा? How many? So many verses, yes? कितने श्लोक हैं? So important, yes? कितने महत्वपूर्ण श्लोक हैं? How many of you are reading Bhagavad Gita? कितने लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता? नहीं है. Put in the puja room and put flower. बहुत लोग सिर्फ पूजा रूम में रखते हैं, सिर्फ फूल चढ़ाते हैं. Yeah? Yes? How important this is? कितना महत्वपूर्ण है? I don't think it's very very nice that I'm coming all the way from Singapore to teach you these things. ऐसा नहीं लगता कि प्रभु जब सिंगापुर से सिर्फ ये बताने के लिए आ रहे हैं। You should be teaching me. जबकि आप लोगों प्रभु को या उधर के लोगों को बताना चाहिए। Huh? Yes? So please. Take it up a little seriously. तो इसे seriously लीजिए. And from today you start chanting. आज से आप शुरू कीजिए. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा. हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. Make your life successful. और अपना जीवन कामयाब बनाइए. यमराज said. यमराज कहते हैं. यमराज said, you do not go to. He told the Yamadoota. He said, "You do not go to any of the devotees who are chanting Hare Krishna." यमराज ने अपने यमदूतों से ये कहा कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति पास नहीं जा सकते जो भगवान का नाम ले रहे हैं. Then where we should go? तो कहाँ जाना चाहिए? Bring to me all those people who don't open the mouth and chant Hare Krishna, Hare Krishna. यमराज कह रहे हैं यमदूतों को कि उन सारे लोगों को मेरे पास लाओ जो कि भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं. So you want to be a candidate for Yamaraj? तो आप वो कैंडिडेट बनना चाहेंगे यमदूतों के लिए? Then close the mouth. तो मुंह बंद रख लीजिए आप यमदूत आएंगे आपके पास. Yeah? Yes? Or you want to open the mouth? Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Rama Rama! Hare Hare! Hare Hare! Yes! 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 Krishna said, for those who are chanting my name, I'm very quickly, I deliver you from this ocean of birth. भगवान कहते हैं कि जो मेरा ये दिव्य नाम ले रहा है उसको मैं बहुत जल्द ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालता हूँ, मुक्त करता हूँ. 12:6-7 छठा श्लोक. क्षिप्रम. क्षिप्रम मीन्स व्हाट? फराफाट. क्षिप्रम मतलब? यस. आई हैव टू लर्न सम हिंदी आई थिंक. प्रभु कुछ हिंदी सीखना पड़ेगा. All right, read that verse. You see, I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Yes, read the. भावार्थ जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ. So anybody have any question? तो आप में से किसी का कोई प्रश्न होगा? किसी भी तरह का प्रश्न, कोई किसी चीज से रिलेटेड? Yes, yes. प्रभु का एक प्रश्न है. किसी में पूछ लीजिए, कोई भी आप उसमें पूछ सकते हो. क्या कारण है? तो इसे एक श्लोक देखिए, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक. इस पे एक श्लोक देखिए भगवद गीता.
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। So you must have a guru. तो आपका एक गुरु होना चाहिए। If you don't have guru, अगर आपका गुरु नहीं है then you'll be confused. तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। You understand? Huh? Even Arjuna, he say, I am confused. अर्जुन भी कहते हैं कि वो कंफ्यूज है। Go to 27, you say, yeah. Arjuna is saying, I am confused. I don't know what to do. You please accept me as your shishya. अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, आप मुझे शिष्य के तौर पे एक्सेप्ट करें भगवान। भावार्थ, अब मैं अपनी कृपण दुर्लभता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन कृष्ण भगवान को गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हमारा कोई गुरु नहीं होगा तो हमारा मन गुरु बन जाएगा। And our mind is so much problem, yes? और हमारा मन जो कितना प्रॉब्लम करता है। Correct. In fact, you see, अब आप देखें। 634. छठवें अध्याय का 24वां श्लोक। 634. 34वां श्लोक। चंचलं हि मनः कृष्णा प्रमाधि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् भवात्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर उच्चंखल ढीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। It's very difficult to control the mind, and if you take your mind as your guru, then what will happen? मन को जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो अगर आप मन को ही गुरु बना लें तो फिर कहाँ जाएंगे? What will happen? Yes. Therefore, we must have a guru. इसीलिए हमारा गुरु होना चाहिए। Very important. बहुत महत्वपूर्ण है। Otherwise, नहीं तो many, many problems. बहुत सारे दुख होंगे। So who is the guru? तो अब गुरु कौन है? I'll go and find the guru. मैं जाके ढूंढूंगा। Are you my guru? हाँ, या फिर मैं किसको गुरु एक्सेप्ट करूँ? How to find? कैसे गुरु को जाना जाए, पहचाना जाए? So you can see our Bhagavad Gita. तो भगवत गीता में इसके बारे में क्या बोला जाए? भगवत गीता गुरु के बारे में। You have a Gita here? आपके have a picture of Prabhupada there? Here we have. Take out the picture and show them. This is our guru. ये परम गुरु है। And everybody here can also go to him. ये हमारे गुरु हैं और आप में से कोई भी इनके पास जा सकते हैं। How to go to him? First start by reading his books. आप इनके जो है किताबें पढ़ना चालू कीजिए, शास्त्र। And by chanting. और नाम लेने से। You see everything will grow. तो आप देखेंगे कि हर चीज बढ़ रहा है। Not difficult. ये मुश्किल नहीं है। Yes. And how many of you got our books? आप में से कितने के पास हमारे बुक्स होंगे? Have you seen our book? आपने क्या प्रभुपाद की बुक्स देखा है? गीता, have you seen? भगवत गीता तो आपने देखा ही होगा। You start reading. उसको पढ़ना चालू करें। So the moment you read, then you have guru. आप उसको जैसे पढ़ना चालू करें तो प्रभुपाद आपके गुरु हैं। Yes. In this way, you will make spiritual advance. और इस तरह से आप उन्नति कर पाएंगे। Because all doubt must go. सारा जो ये डाउट है जाना चाहिए। If the doubt don't go, then you cannot grow forward. अगर ये डाउट नहीं जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। You can see here, 414. चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, 40वां श्लोक। भावार्थ, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत में नहीं प्राप्त करते, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है।
And if your mind can be your best friend or your worst enemy. आपका मन जो है सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। If the mind is not controlled by guru, then it become your worst enemy. अगर आपका मन जो है गुरु के द्वारा ना कंट्रोल किया जाए, very dangerous. तो बहुत dangerous. Because at the time of death, whatever you think, you become that. क्योंकि अगर मृत्यु के समय आप जो सोचते हैं अगला जन्म आपका वैसा ही होता है। आठवें अध्याय का पांचवां श्लोक। If you think of God, you go back to God. अगर मृत्यु के समय आप भगवान के बारे में सोचते हैं तो आप भगवान के पास वापस जाएंगे। पर श्लोक देखिए, भावार्थ जीवन और जीवन में अंत में जो केवल मेरे स्मरण करते हैं, शरीर को त्याग करते हैं, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। So you go back to God. भगवान के पास वापस जाते हैं। But if you don't, next verse. पर अगर आप मृत्यु के समय भगवान को याद नहीं करते हैं, तो अगले श्लोक। What happens if you don't think of God? अगर आप भगवान का स्मरण नहीं करते मृत्यु के समय। Let's see what you think of. You see what happened. तो देखिए भवार्थ, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। Suppose I'm thinking of my dear wife, what will happen next life? अगर मैं मृत्यु के समय अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा हूँ, you'll be sitting that side. तो आप जो है उस तरफ बैठे होंगे अगले जन्म में। Yes. यानी आप एक स्त्री बन जाएंगे। Suppose I'm thinking of my dear dog. अगर आप मृत्यु के समय आप अपने कुत्ते के बारे में सोच रहे होंगे, then what I become? तो अगले जन्म आप क्या बनेंगे? What I become? कुत्ता। See how dangerous it is to not control the mind. तो मन को कंट्रोल नहीं करना कितना वो है, dangerous. Yes. And you can only control the mind with the help of Guru and Krishna. गुरु और कृष्ण की वजह से ही आप जो है भगवान। Without Guru and Krishna, you cannot do it. बिना कृष्णवान और गुरु के आप ऐसा नहीं कर सकते। It is not possible. ये संभव नहीं है। Yes. सही है? Yes. Understand? समझ रहे हैं? Very good. Any other question? कोई और प्रश्न होगा? बहुत सारे आप स्टूडेंट्स भी हैं, आप भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। No more question. All right. Never mind. So we will chant Hare Krishna again. हम फिर से कीर्तन करेंगे। Before we, you have an aarti or something? You don't do that. You do an aarti, is it? What do you do? Aarti, yeah. Yes. You do, right? Yeah. So you do your aarti, you will chant Hare Krishna. कीर्तन करेंगे आरती के साथ। Right. So I want every one of you to help by chanting with us. Yes. Can you chant? तो क्या आप मदद कर सकते हैं कीर्तन में? Not only that, if you don't have mala, we have malas here. You can buy them from us, and you can start from today chanting Krishna's name. अगर आपके पास माला नहीं होगा तो आप माला खरीद सकते हैं प्रभु जी से और स्टार्ट कर सकते हैं। You can get this bag and you can chant Hare Krishna in the mala. Is it here? आप इसको लेके स्टार्ट कर सकते हैं चैंटिंग। How many have you got mala? आप कितनों के पास माला होगी? How many don't have mala? कितनों के पास नहीं होगी? You can come and take this. तो आप आइए ले सकते हैं प्रभु जी से। All right, so we will do the aarti now and you chant with us Hare Krishna. Yes. अब हम लोग आरती को स्टार्ट करेंगे। So thank you very much. आपका बहुत धन्यवाद। Hare Krishna. Hare Krishna. Stand up and do the aarti and we chant. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.